बारिश शुरू हो गई। वहाँ पर कोई घर दिखाई दे रहा है। रोक दीजिए। उतरो उतरो। सिनेमा के लिए मना किया था ना, अब देख लो आधी रात में इस बारिश में इंसानों का नामो निशान तक नहीं है इस घर में। जो तुम इतना सोच रही हो वो इस बारिश की वजह से है, यहाँ कोई इंसान भी नहीं है। अशांत मन और जवानी का जोश, इस सुनसान घर में कुछ गड़बड़ हो गई तो, कहीं बच्चा अच्छा हो गया तो, मुझे उसी बात की चिंता है। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं रात को भूतों के साथ कुछ भी नहीं करता, समझ में आया तुम्हें? हाँ सही कह रहे हो, काम होने से पहले देवी कहते हो और काम होने के बाद भूत कहने लगते हो, कुछ भी कह लो, काम हो जाने के बाद लड़कियों को धोखा देने वाले तुम जैसे लड़कों को मैं कभी हाँ नहीं कहूँगी। ना कहना तो लड़कियों का अधिकार है, लेकिन मेरे लिए तो ओके है। स्विच डाल के करंट पास किया है, बच्चा नहीं होगा वो, सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आगे आपका साथ रहा तो। राजू इस घर में रुकने से तो अच्छा होगा कि हम बाहर चले जाएं, भले ही भीग जाए, चलो चलते हैं। ये कौन है? हेलो मैडम, कुरियर से बोल रहा हूँ, आपके एड्रेस पर एक पार्सल आया है, आपका घर कहाँ पर है मैडम? मेरा कुरियर किसके नाम से है? एक मिनट मैडम, वो हे अब क्या हुआ गजनी, बताओ। अरे सिन्हा पहले ये बता तू कर क्या रहा है? सो रहा हूँ, तुम कहाँ हो? जल्दी से उठ और नीचे आ। हाँ हेलो, शॉक मत होना, नींद से जाग चुके हो तो अपना आईडी कार्ड लेकर नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है आ रहा हूँ, रुको। हैंग ओवर है कहकर छुट्टी ली थी, तुमने आईडी कार्ड के लिए फोन किया, ऐसे रोज भूलना ही क्यों है? मेरा ऐसे रोज रोज दिमाग खाना जरूरी है क्या? ये सब रहने दो सिन्हा, इस सब बात के लिए अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में कॉल करके बात करूंगी और फिर खूब डिस्कस कर लेना। ओके बाय। चलो बाय। चला ना। हाँ चल रही हूँ। इससे शादी करने वाले बकरे को लाइफ लॉन्ग तकलीफ ही होगी। अच्छा सुन, आज तेरे टीम के 20 लोग गायब हैं, व्हाट्स द फंडा? माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपने घर चली गई हैं। और देवदास का क्या? धोखा देने वाला पार्किंग लॉट में दिख गया, इसलिए मूड ऑफ करके घर चली गई, क्या पता अब कहाँ गई वो और कहाँ जाएगी। इस सिचुएशन के लिए ये अल्कोहल का गाना हार्ट पर एसिड गिरने जैसा है। क्या मैडम, आज तो आप सुबह सुबह ही शुरू हो गई। लव में फेल हुए हम जैसों के लिए सुबह हो या शाम हो
लिखकर ही लाइफ लगती है। अरे आप जो करें मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये बताइए स्नैक्स चाहिए कि नहीं? दर्द है ना, और कुछ नहीं चाहिए, जा। वहाँ देखो। हे भगवान, ये कैसे पीकर गिरी हुई है, देखो। उठाएंगे तो जग जाएगी क्या? डाउट है, उठाकर ले चलते हैं। हाँ। हे लतिका, हे लतिका, उठो। संभाल के। चलो उठाओ ना, उठो ना। उठ जाओ। क्या यार, ये ऐसे पीपी कर मरना चाहती है क्या? हाँ चलो नीचे उतरो। छोड़ दो मुझे। आराम से। इसको समझ में क्यों नहीं आता? हमेशा का इतना ही है, हमेशा ऐसे ही करती है, पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है। पागल हो गई है क्या, इतना पीती है? अरे क्या करें इसका। आराम से, चलो आराम से, डोर खोलो, चलो अंदर। अच्छा छोड़ो, चलो अंदर, चलो बैठो। तुम हमेशा ऐसे चर्च में आती हो क्या? हाँ, क्यों? तुम हमेशा जिस चर्च में जाती हो वो ऐसा भी होगा, ये बात मैं नहीं जानती थी ना, बस इसलिए पूछा। बहुत बेचारे हैं, उनको रहने की जगह नहीं मिली तो इसीलिए आश्रम में सेटल हो गए हैं। तुम लोग बस करो अब, भगवान सब जगह और सब में होते हैं। तुम जैसे लोगों ने ही मंदिर बनाकर उन्हें उसमें बंद कर दिया है और ये रूल बना दिया है कि अब भगवान इसी में रहेंगे। हाँ हाँ, गंदे बच्चे गंदी जगह पे ही रहते हैं और वहीं पे भगवान भी रहते हैं, है ना? चर्च में भगवान के नाम पर सिर्फ स्टैचू ही होते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों के रूप में वो भगवान ही रहते हैं। ये सिर्फ हम अनाथों को ही समझ में आता है, ये सिर्फ हम जैसे लोगों को ही समझ में आएगा, उन जैसे लोगों को नहीं। ये सब पुराणों को और वेदों को तो हम जब बच्चे थे तब भी पढ़ चुके हैं। तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। सर मैं अभी चेक करता हूँ, जरा वो दिखाना। कितना हुआ? एक मिनट, 20 रुपीज। यहाँ पर एक साइन कीजिए। ओके, हेलो डेविड, मेल कर दिया है, एक बार चेक करके देखो। हाँ हाँ, गूगल ड्राइव पर देख लो एक बार। ओके बाय। मैडम। हाँ। आपका पर्स। ओह थैंक यू। इट्स ओके। Thank you.
ये सब क्यों हो रहा है? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ओह गुड मॉर्निंग लीजा, आइए आइए, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बोलिए लीजा, कैसी हो, क्या चल रहा है आईटी इंडस्ट्रीज में? गोइंग गुड डॉक्टर। फिर लगता है वर्कलोड बहुत ज्यादा है तुम्हारे ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल ही है। फिर आप इतने स्ट्रेस में क्यों दिख रही हैं? हाँ डॉक्टर, लेकिन वर्क प्रेशर से नहीं। तो फिर वो सिक्योरिटी अंकल, गेट खोलिए, अंकल गेट खोलिए प्लीज, कोई गेट खोलिए। कौन है? कौन है? आई डोंट नो व्हाई डॉक्टर, कुछ दिनों से इसी तरह के ख्याल आए जा रहे हैं। दिखाई देने वाले सभी लोग मेरी आंखों के सामने आए ही जा रहे हैं। मैं जानती नहीं ये क्या हो रहा है, मैं बस ठीक से सोना चाहती हूँ। प्लीज गिव मी सम पिल्स। देखो लीजा, टैबलेट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। पहली बार भी तुमने ऐसी ही वजह बताकर टैबलेट की एडिक्ट हो गई थी, तुम्हें याद है ना? वही गलती तुम दोहरा रही हो। लीजा, लीजा। हाँ यस डॉक्टर। एज ए डॉक्टर मैं तुम्हें एक ही बात सजेस्ट करूंगी, तुम्हारी बीमारी के इलाज के लिए मेडिटेशन ही सबसे सही है। अगर तुम इसी तरह से ड्रिंक्स और ड्रग्स लेती रहोगी
तो ये तुम्हारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल सीरियसली। श्योर डॉक्टर, आई ट्राई। बिल्कुल नहीं टीचर, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है फिर जाने दो, तुम्हारा हमेशा का ऐसा ही रहता है। अरे नहीं, लास्ट वीक आने को कहा था तुमने। मैं जरूर आऊंगी। कल भी वैसे ही करोगी क्या? बिल्कुल नहीं टीचर, एट एनी कॉस्ट मैं कल जरूर आऊंगी। लिसा, एक रिक्वेस्ट थी, कल आते वक्त जो मैंने स्पेक्स दिए थे रिपेयर के लिए वो लेकर आओगी क्या? आप भी क्या टीचर, आप रिक्वेस्ट कर रही हैं तो ऑर्डर करती हूँ। ठीक है फिर, एड्रेस लिखो, रोड नंबर 2, ओके, क्रॉस जंक्शन, हाँ, रूम नंबर 245, ओके, विजयनगर। ठीक है टीचर। अमाउंट ऑलरेडी पे हो चुका है। ओके, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ। मुझे किसने भेजा होगा? इसमें क्या होगा? लीजा, ये बुक भी मेरे नाम पर है? मेरा नाम मोना है, लेकिन ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। जन्म देने वाले ही जब साथ ना दे तो हमारे साथ रहकर जो साथ निभाए वो ही दोस्त है। बगैर हवा का कोई गांव नहीं होता, सेंटिमेंट ना हो ऐसा कोई घर नहीं। होते यहाँ जीने के लिए 100 रास्ते, लेकिन मरने के लिए 1000 रास्ते हैं। लेकिन कुछ कर दिखाने के लिए जो रास्ता हम चुनते हैं वही सही होता है। जर्नलिज्म वो मेरी जान है, लेकिन वो कोई स्पोर्ट्स नहीं, पॉलिटिक्स भी नहीं है, एंटरटेनमेंट भी नहीं, गॉसिप भी नहीं, सिर्फ सच है। शमशान में दफन की हुई ये एक कहानी है, लीजा। ये सिर्फ नाम नहीं है, असली कहानी का सच्चा किरदार है, सच्ची घटनाओं की मौत की दास्तान है। बताइए सर, उस घर की कहानी का सच। मैडम, मैं जो कहूंगा वो लिखने के लिए कोई कहानी नहीं है मैडम। इस दुनिया में हम जो जान चुके हैं उससे कहीं ज्यादा जो हम नहीं जान पाए हैं वो बहुत है मैडम। अगर आप उस लड़की के बारे में, उसके घर के बारे में जानने की कोशिश करती हैं तो आपको तो आपका मकसद मिल जाएगा, क्योंकि यही तो आपका काम है। ऐसी कहानियों से ही हादसे होते हैं। क्या बोला आपने?
मैडम, कुछ घटनाएं अज्ञात होती हैं। मौत कहां से आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। नियति में जो लिखा है मैडम वो होकर रहता है। मैं समझी नहीं। मैडम, कुछ कहानियां सुनने से आती हैं तो कुछ लिखने से, और तो और कुछ कहानियां पढ़ने से भी आती हैं मैडम। और इतना ही नहीं, आप जैसों की मदद करने से भी अक्सर कहानियां आती हैं। आप समझ जाएंगी मैडम, और अगर नहीं समझी तो जान लीजिएगा ये कुछ पाने की पहली सीढ़ी है। और इतना ही नहीं, आप जैसों की मदद करने से भी अक्सर कहानियां आती हैं। आप समझ जाएंगी मैडम, और अगर नहीं समझी तो जान लीजिएगा ये कुछ पाने की पहली सीढ़ी है। मौत कहां से आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। नियति में जो लिखा है मैडम वो होकर रहता है। कुछ पाने की पहली सीढ़ी ही हार होती है, लेकिन हासिल करने वाले को मौत का डर नहीं होता है और ना ही किसी उपाधि की चिंता होती है। मरकर खबर बन चुके सच को खोजने की मेरी ये तलाश यहीं पर नहीं रुकी। हाँ, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ पैंट शर्ट पहनकर यहाँ पर आई कहानी सुनने। मैं क्या तुम लोगों जैसे फालतू हूँ? मेरे पास बहुत काम है, काम नहीं करूंगी तो मैं भूखी मर जाऊंगी, समझी? जाओ यहाँ से चुपचाप। आंटी, जब तक ये गांधी नोट है ना, तब तक कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हाँ तो सुनाएगी ना। उस घर में मैं 10 साल से काम करती थी बेटा। इतनी ही है उस घर की कहानी। उसके बाद मैंने भी वहां पर काम करना छोड़ दिया था और उस घर के लोग कहां चले गए मुझे तो कुछ भी नहीं पता है उन लोगों के बारे में। आंटी, और कुछ भी जानना होगा तो फिर गांधी नोट लेके आऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, don't touch my things. मेरे कैमरे को छूओगी तो मार डालूंगी. रखो से. क्या बोली रे? तेरे कैमरे में तेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना बैठा है जो छूने से मेरा हो जाएगा. हाँ, छुआ तो मार डालेगी बोलती है. सुनो, कैमरा हो या बॉयफ्रेंड हो, कोई दूसरा छूता है ना तो जलता है. ए, तुम कुछ कहना ही मत. मुझे कार में चिढ़ा रही थी ना तुम. चर्च, आश्रम, गांधी, जगह है, कहा था ना. अरे, इसका फिर से शुरू हो गया यार. तुम सभी फ्रेंड्स हो क्या? इस दुनिया में बच्चा होने के लिए मन्नत मांगने वाले भी हैं. ऐसी औलाद को क्यों जन्म दिया ऐसा कहने वाले भी ऐसे ही हैं. अनाथ को कैसा लगेगा ये वो कैसे जाने. भगवान ही माँ बाप है, फ्रेंड्स भाई बहन. उस भगवान को हमारा दर्द नहीं समझते ये दोस्त. हमारे आंसू नहीं पोछते हैं ये दोस्त. हम जैसों की जिंदगी इन सब के लिए नसूर बन चुकी है. अपनी तकदीर के जिम्मेदार हम ही होते हैं और कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है. पहले लोग कहते थे कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई कुछ देर तक ही होती है, लेकिन हमारा झगड़ा तो ऐसे है कि हम एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं. अक्कल की टेढ़ी है. कहती है हमारे घर की माँ अन्नपूर्णा. मस्का रहने दो, कॉफी चाहिए या चाय? थोड़ा सरदर्द है, कॉफी दोगी तो चलेगा. ये लो. थैंक यू. लगता है रात में ज्यादा हो गई थी. मुझे भी सुबह से दर्द हो रहा है. ठीक है ठीक है, अब जाओ. बर्थडे बेबी सुबह सुबह भगवान की पूजा कर रही है. आज का क्या प्रोग्राम है? ठीक है ठीक है, रहने दो. रात होते ही बियर और सुबह होते ही भगवान. ठीक है ठीक है. पाप में डूबने वाले आज पूजा में मग्न हैं, प्यार में जीने वाले मेरी तरह ब्रांडी में खोए रहते हैं. करेक्ट बोल रही हो. ये ब्रांडी के साथ शादी बगैर मंगलसूत्र के लेडी देवदासी हो तुम. बिल्कुल मत पीना वरना मर जाओगी तुम. सिगरेट प्लीज. थैंक यू. ये गजनी, लक के लिए वेट नहीं करना चाहिए. लाइफ में लेट नहीं होना चाहिए. जो भी होगा अच्छा ही होगा. इंटरव्यू के लिए इतना डरना क्या? ये क्या, तुम सुबह सुबह बाथरूम में कैमरा लेकर आ गई हो? तुम्हें कुछ फील नहीं होता क्या?
मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड थोड़ी हूँ जो कुछ फील होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी है तुम्हारी, जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो अच्छा ही होगा। इंटरव्यू के लिए इतना डरना क्या? ये क्या, तुम सुबह सुबह बाथरूम में कैमरा लेकर आ गई हो? तुम्हें कुछ फील नहीं होता क्या? ओके यार, चल आई एम गेटिंग लेट, कैच यू लेटर। मेरे कैमरे को छूगी तो मार डालूंगी, रखो से। तेरे कैमरे में तेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना बैठा है। ए पागल, कैमरा क्यों छीन लिया तुमने? मरे हुए लोगों की चीजों को नहीं यूज करना चाहिए, सिनेमा में भी दिखाया है, नहीं देखा क्या तुमने? तुम भी ना, रियल लाइफ में जो कुछ भी दिखाते हैं वो अगर रियल लाइफ में होता ना तो इंसान की पॉपुलेशन से ज्यादा इस दुनिया में भूतों की पॉपुलेशन होती। रील में जो हादसे दिखाते हैं वैसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता, रियल लाइफ में हो जाने के बाद मानते हैं। सिली बातें मत करो, यहाँ भगवान भी हम ही लोग हैं। अच्छा करे तो भगवान कहते हैं, गलत करे तो शैतान कहते हैं। इंसान खुद जीने के लिए भगवान शैतान को क्रिएट करके बिजनेस कर रहा है बस। बिजनेस करना मार्केट से बैंगन खरीदने जैसा आसान नहीं। बैंगन है या पालक ये तो मुझे नहीं पता, अगर भगवान का नाम लेंगे तो सब अच्छा होगा, और अगर शैतान को खोजोगी तो तकलीफ मिलेगी। डिसाइड करो, तुम्हें यहाँ रुकना है या मेरे साथ चलना है? ये रुकना, मैं भी आती हूँ ना। दरवाजा बंद कर लेना। तुम लोग कहाँ हो? हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। ओके ओ शिट, मैं मोबाइल ऊपर ही भूल गई हूँ, लेकर आती हूँ, वेट फॉर मी। ओके अपनी ही परछाई देखकर डरने वाली, अब करंट जाने की वजह से क्या गड़बड़ कर लेगी क्या पता। जल्दी आने को कहो उसे। हे सिंचू, और कितना टाइम लगेगा, जल्दी आ जा। हाँ आ रही हूँ। क्या तुम लोग हर जगह लेट चलते हो? जहाँ जा रहे हैं वो कोई पब या पार्टी नहीं है, रिसेप्शन के लिए जा रहे हैं, जल्दी चलो। ए आदि, गैस ऑन ही छोड़ दिया था क्या? स्मेल आ रहा है, मैं बंद करके आती हूँ, रुको। भी तो नहीं रही है ना? वहां पर भी तो देखो सिंचू। अरे पागल, कहां चली गई? कहां हो सिंचू? हाँ कहीं नहीं दिख रही, यहां पर तो कहीं भी नहीं दिख रही, पता नहीं कहां चली गई।
गैस की स्मेल भी नहीं आ रही है, गैस ऑन भी नहीं है, चली कहाँ गई? हाँ कहाँ चली गई है, हमें उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, चलो ढूंढते हैं उसको। ठीक है चलो। सिंचू, सिंचू कहाँ पर हो तुम? सिंचू सिंचू, 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 सिंचू सिंचू कहाँ पर हो?
ये कैसी किताब है? इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, पूरी किताब खाली खाली है। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ ये आप नहीं जानती, आप कौन हैं ये मैं भी नहीं जानता। फिर फोन क्यों किया तुमने? कूल मैडम, कूल। फ्रॉम एड्रेस वाला कुरियर इनकम्प्लीट स्टोरी के बारे में सोचकर टेंशन ले रही है क्या? I'm very sorry. मेरा नाम मुट्टू है। उन इनकम्प्लीट स्टोरी को लिखने वाला भी मैं ही हूँ। कुरियर भी मैंने ही किया है। कल साइबर कैफे में आपका पर्स देने वाला भी मैं ही हूँ। एक बार चेक करके देखो। हाँ हाँ, गूगल ड्राइव पर देख लो एक बार। ओके बाय। मैडम। हाँ? आपका पर्स। ओह। थैंक यू। इट्स ओके मैडम। याद आया क्या मैडम? हाँ याद तो आया, लेकिन ये बुक मुझे क्यों भेजी है? मेरा एड्रेस फोन नंबर आपको किसने दे दिया? मैडम, साइबर कैफे में सिर्फ पर्स ही नहीं मिलता, एड्रेस फोन नंबर भी मिलता है। जासूसी तो तुमने बहुत अच्छे से की है। पुलिस कंप्लेंट करूँ क्या? तुम्हें पता है ना आगे क्या होगा? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी ये मैं जानता हूँ। कैसे कह सकते हो? भरोसा मैडम। इतना भरोसा अच्छा नहीं होता। हम और आप इस धरती पर नहीं गिरेंगे, इसी भरोसे की वजह से खड़े हैं मैडम। ठीक है ठीक है, ये बुक भेजने का क्या मकसद है आपका? कल आपको देखते ही सोच लिया मैडम, मेरे कहानी में लिसा के किरदार को आपको ही निभाना होगा। इसको लेकर आपसे मुझे डिटेल में बात करनी है। कल सुबह हम मिल सकते हैं क्या? अरे बात नहीं, एक ही बार मिलना है तो आकर मुझसे मिल लो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारा गाँव कहाँ है? मैडम, मेरा अप्रोच करने का तरीका गलत हो सकता है, पर मेरा मकसद नहीं। एक फल खराब है तो ऐसा मत सोचिए मैडम कि पूरा पेड़ ही खराब होगा। ठीक है, तुम मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम दो, मैं सोचकर टेक्स्ट करती हूँ। ओके मैडम। ओके।
कौन है? कौन है? You need to change your lifestyle, seriously. Sure, doctor. I will try. As a doctor, मैं तुम्हें नींद की गोलियां तो नहीं दे सकती हूँ. लेकिन नींद ना आने की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, तो ये गोलियां दे रही हूँ तुम्हें. It's better if you avoid this. Mm-hmm.
दादाजी दादाजी खाना खा लीजिए ना। तुम अपना खाना मुझे दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? खाना तो भूखे लोगों के लिए चाहिए होता है, मुझे तो भूख ही नहीं है, इसीलिए आप ही खा लीजिए। तुम कितनी ज्यादा समझदार हो, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। दादाजी कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्ही ने तो कहा बेटी खाने की जरूरत भूखों को होती है, पर मैं भूखा नहीं हूँ, मेरी बेटी है। मतलब आपको भूख नहीं लगी है क्या? मैं तो भूख बर्दाश्त कर लूंगा, पर मेरी बेटी को भूख लगी है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। टीचर टीचर मेरे मम्मी पापा नहीं है क्या? वो क्या कहीं चले गए हैं? बेटा वो अपने मम्मी पापा के घर गए हैं। टीचर वो मुझसे मिलने कब आएंगे? आएंगे बेटा, आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे बेटा। क्या सोच रही हो बोलो? इस जगह पर आते ही भूली हुई कोई ना कोई याद आंखों के सामने आ जाती है। यादें या तो रुलाने आती है या हंसाने आती है, इसीलिए याद भी मत करो और भुलाओ भी मत। एनीवेज थैंक्स फॉर द स्पेक्स। उस भगवान ने मुझे माता पिता के रूप में आपको दिया है, प्लीज थैंक्स मत भूलिए, आशीर्वाद दीजिए। इस माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा बेटा, चलो। अच्छा अब ये बताओ तुम कैसी हो और काम कैसा चल रहा है? उस कंप्यूटर पर काम कर करके बोर हो चुकी हूँ। टीचर तो छोड़ो, दोस्त के पास जाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत अकेला फील होता है मुझे आजकल। आंखें बंद करती हूँ तो ख्वाब सताते हैं, आंखें खोलती हूँ तो यादें आती हैं। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अब एक काम करो, कोई अच्छा सा लड़का देख के लव करके शादी कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। लड़के शादी के नाम पर लव करते हैं, काम हो जाने के बाद छोड़कर चले जाते हैं और फिर उनके बच्चों को संभालते रहो, और फिर उनका कोई नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रम में डालना पड़ता है। मुझे ऐसी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं जहां मैं खुश ना रहूं। प्लीज टीचर आप मेरे साथ चलिए। सॉरी बेटा, मैं किसी को तकलीफ ना दूं इसीलिए मेरा यही रहना ठीक है। तुम्हारे साथ आकर तुम पर बोझ बनकर मुझे नहीं रहना बेटा, मैं यहीं पे ठीक हूँ। माँ के जैसे देखभाल करके मुझे पढ़ाने वाली सिर्फ आप ही हैं। आप मुझ पर भरोसा नहीं बनाएंगी, सभी के होते हुए आप अनाथों के जैसे यहाँ रहती हैं, ऐसे आप कब तक रहेंगी? हम लोग अनाथ नहीं है बेटा, पैदा करके जिंदगी देकर माँ बाप छीन लेने वाला वो भगवान अनाथ है। सब कुछ होकर भी हिम्मत ना होने की वजह से अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, वही लोग अनाथ होते हैं। मैं यही पे खुश हूँ बेटा, अपने साथ आने के लिए मुझे फोर्स मत करना बेटा। इस आश्रम में जितने भी बच्चे हैं ना, उनकी जिंदगी संवारना ही मेरा उद्देश्य है, मैं नहीं आ पाऊंगी। सॉरी टीचर, मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोच रही थी, इन बच्चों का तो सोचा ही नहीं। आप भी नहीं होंगी तो ये फिर से अनाथ हो जाएंगे, मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत इनको है। मैं चलती हूँ, बाय टीचर। फिर भी घर से ही आप अप एंड डाउन कर सकती हैं ना? तुम जाओ अब, कहीं मीटिंग है कह रही थी ना। ओके टीचर, बाय बाय, संभल कर।
हेलो हेलो मैडम, कहाँ हैं आप? जी मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। ओके मैडम। ओके। ये लगता है। हाय हाय, प्लीज बैठ जाइए। मैडम कुछ लेंगी? नो थैंक्स। योर ऑर्डर सर। 2 मिनट्स। कहानी थी मैडम? क्लाइमेक्स के बगैर कहानी पढ़ के खुशी हुई, लेकिन एक डाउट है, कहानी कंप्लीट नहीं हुई है क्या? क्यूरियोसिटी की वजह से मैडम। क्यूरियोसिटी? क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको पूरी कहानी भेज देता तो आप यहाँ तक नहीं आती, और आपको ये क्यूरियोसिटी भी नहीं रहती। आपको परसों देख के ही डिसाइड कर लिया था कि इस कहानी के लिए आप ही हीरोइन बनेगी। एक्टिंग करेंगी मैडम? मुझे बुक पढ़ने की आदत है, लेकिन एक्ट करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं यहाँ क्यूरियोसिटी की वजह से नहीं आई हूँ, सिर्फ ये बुक रिटर्न करने आई थी। एक बार और सोच लीजिए। डिसाइड कर चुकी हूँ मैं, अब सोचने की गुंजाइश ही नहीं। आई एम रियली सॉरी मुत्तू जी। नाइस मीटिंग यू। इट्स ओके। ये स्मेल कैसी है? ये कैसी आवाज है? यहाँ पर क्या हो रहा है?
अब इतनी रात को कौन है यहाँ पर? ऐसा क्यों हुआ? हाँ, यहीं पर भूल गई क्या इसे? अगर इसे भूल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओफो, ये गिर गया। हवा से गिर गया होगा। ये बुक तो मैंने वापस कर दी थी ना, ये यहाँ कैसे आ गई? Thank you.
कौन हो तुम? कौन? कितना टाइम लगा दिया, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सभी बीमारियों की दवा शराब है, अगर तबीयत सही नहीं है तो ले लेना चाहिए। तुमने मैसेज किया था हॉस्पिटल जा रही हो, क्या कहा डॉक्टर ने? डेफिनेटली इट्स नॉट अ डिजीज। कुछ लोग कहानियों को कल्पना की तरह जीने लगते हैं, कुछ लोग कहानियां पढ़ने के बाद और कुछ लोग कहानियां सुनने के बाद उसे ख्वाब की तरह कंटिन्यू करते हैं। ये तीनों बातें तुम में हैं, लेकिन इनमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। यू हैव टू ओवरकम दिस। हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। अगर हम अपना माइंड स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो कल्पनाएं तो आती रहेंगी। सुनो लीजा, खाम खा की कल्पनाएं करके ड्रिंक्स, ड्रग्स और टैबलेट्स की एडिक्ट हो गई हो। तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो। जिंदगी का मकसद दूसरों की भलाई करना होना चाहिए, तभी तुम भी खुश रहोगी और दूसरे भी खुश रहेंगे। यू ऑल यंगस्टर्स लीड अ हैप्पी लाइफ। ओके। जो झूठ होता है उसे कोई भी सच नहीं कर सकता, और जो सच होता है ना उसे कोई भी झूठ नहीं कर सकता।